अपना सुझाव देंगे, तब उसको अंतिम तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे, और तय करके वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को, और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करे। क्या ऐसी कोई संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार खेलेंगे? बोल रहे हैं ऐसी कोई संभावना है कि मंत्रिमंडल खेलना है? जब होगा उस दिन आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, और सबको मालूम है कि हम लोगों ने 2007 में ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर बुद्ध स्मृति पार्क बनाएंगे, और उसके बाद से जो सारा काम किया तो आज से कई साल पहले तैयार हो गया, अनेक प्रकार की सुविधाएं, और हम बराबर आते रहे हैं। लेकिन ये 2 साल से ही कोरोना वाला जो चक्कर आया उसी में आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज फिर आने में बहुत मन को खुशी हुई। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका हर चीज़ को फिर से, जब हम पहले बराबर देखते रहते थे, कोई भी चीज़ नया करते थे, चाहे ये म्यूजियम का भी था, तो आज तो खैर म्यूजियम को बंद किए हुए हैं, लेकिन और म्यूजियम में भी स्कूल के बच्चे बच्चों के लिए किया गया है, जगह जगह से लोग आकर के देखे और इस म्यूजियम को देखे, और भगवान बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी और उन सब चीज़ों के बारे में ये सब किया गया है। और जो आप देखते हैं कि एक एक जगह पर जिस तरह से विकसित किया गया है, बोधी वृक्ष लगाया गया है, तो आप सबको मालूम है कि एक एक तरह से सब तरह की सुविधाएं की गई है, और काफ़ी लोग इसमें प्रसन्न हैं। और जो यहाँ पर पहले, और यहाँ पर तो जानते ही हैं कि बुद्धिज्म को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ हुआ, तो सब तरह से यहाँ पर किया गया है और एक खास जगह विकसित किया गया है। तो आज फिर आने पर मुझको बड़ी खुशी हुई। आज तो जानते ही हैं कि आज तो भगवान बुद्ध की स्मृति का दिन है, तो आज तो सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग जब देखेंगे तो लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, लोग समझेंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे, विकास में ठीक से काम करेंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। तो इसलिए इस बात को देखना, और जानते ही हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तो आप जानते ही न हैं कि दुनिया के कितने देशों में भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो एक खास बात है, एक खास बहुत है। तो ऐसे मौके पर हम सब लोगों को मुलाकात हुई, क्या लगता है कब तक ये और पार्टी मीटिंग? बता ही दिया गया, हम लोग बात करेंगे, ये सब बात तो कही दिया कि एक बार और पार्टी मीटिंग कर लेंगे। जो करना है राज्य में अपना, तो उसके लिए सब पार्टी की मीटिंग एक रोज बुलाएंगे और सब लोग बैठ करके सब अपना